आप में को, से कोई एक्सप्लेन करेगा कि कल क्या किया था कल की क्लास में कौन कौन था रेज कीजिएगा प्लीज़ कल दो डिफरेंट किस्म के लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कौन कौन सा क्वेश्चन था एक में हमने डिजिट काउंट किए थे यानी सम किया था जैसे अगर मेरे पास दो डिजिट्स हैं वन और टू तो मुझे दोनों को ऐड करके सिंगल यानी जो भी अबिल फसल जैसे मेरे पास वन और टू है वन ट्वेल्व है सॉरी मैं टू तो बी वेरी प्रेसाइज बोलता हूँ तो मैं वन और टू को ऐड करूंगा ऐड करने के बाद देखूंगा कि मेरे पास सिंगल डिजिट आ रहा है डबल डिजिट अच्छा आ रहा है अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो मैं सिंगल डिजिट रिटर्न कर दूंगा और अगर डबल आ रहा है तो फिर मैं उनको मजीद ऐड करते करते जब तक ऐड करूंगा जब तक मेरे पास सिंगल डिजिट में रिजल्ट ना आ जाए लाइक like हमने एक एग्जाम्पल देखी थी हमारे पास एटी थ्री नंबर था जब हमने उसको ऐड किया एट और थ्री को ऐड किया तो इलेवन बना फिर हमने वन और वन को ऐड किया तो जब टू बना तो हमने उस को रिटर्न करवा दिया ये हुआ था और एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया

हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे थे स्ट्रिंग्स तो स्ट्रिंग को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे उसकी दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे कल आ, कल के से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग बिल्डर हम क्यों यूज करते हैं कोई बताएगा किसी को याद है कि हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज करते हैं किसी को भी नहीं याद किसी ने स्ट्रिंग बिल्डर का नाम पहले सुना होगा नहीं फर्स्ट टाइम इस सुन रहा हूँ तो क्लास भी फर्स्ट टाइम है ओके okay. जिनके फर्स्ट टाइम क्लास नहीं है वो बताइए परसों के लेक्चर में कौन कौन था जरा हैंड रेस कीजिएगा ठीक है एंड रेस कीजिएगा अभी तक रहमान ने अपना अपनास किया इसके अलावा परसों के लेक्चर में कोई भी नहीं था आप में से ओके okay. बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हम लोगों ने चेक किया था कि नॉर्मल नॉर्मल इंटीजर के केस में अगर कोई हम लूप रन करते हैं और हम कुछ उसमें एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या कुछ उसके साथ प्ले करते हैं तो हम लोगों को जो है वो आ, जो हमारे लूप की कम्प्लेक्सिटी होती थी जितनी टाइम लूप चलता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था हमारी टाइम कंप्लेक्सिटी के लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि जो स्ट्रिंग जावा में जो स्ट्रिंग हमें क्योंकि इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स तो हम लोग उसमें छोटा सा भी चेंज करते हैं तो वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए वो दोबारा से पिछली अरे को न्यू स्पेस में कॉपी किया जाता है और देन वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि हम लोगों को जो टाइम कम्फ्लेक्सी है वो Linear की बजाय क्वाड्रेटिक हो जाती है एक सिमल रूप भी हम लोग लिख रहे हैं तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर की बजाय uh, तो अपना माइक जो है वो कहें तो uh, इस सिचुएशन से बचने के लिए कि हमारी कम्प्लेक्स टाइम कंप्लेक्सिटी जो है वो ना जाए हम लोगों ने एक और क्लास देखी थी जावा की जो कि थी हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर जो कि फंक्शनैलिटी देती फंक्शनैलिटी देती है इसके अः डिफरेंस क्या है जब स्ट्रिंग भी वही प्रोवाइड कर रही है तो, इस, इस uh, है? रही है, builder, तो वो हम लोगों ने अभी पहले देख लिया है कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं उस स्ट्रिंग बिल्डर को इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग क्योंकि इसमें जब न्यू हम कोई चेंज करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में तो वो चेंज रिफ्लेक्ट करने के लिए दोबारा से पिछली स्ट्रिंग को कॉपी नहीं किया जाता बल्कि उसी स्ट्रिंग में वो चेंज जो है वो ओवर किया जाता है या ऐड किया जाता है इसलिए हम लोग जो है वो स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं किसी को अभी तक को, कोई कंफ्यूजन मेरी जो बात मैंने आपको बताई है कैंडली जो आपने एक टर्म यूज किया इम्यूटेबल स्ट्रिंग उसको कैंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मुझे आईडिया नहीं है उसका क्लास में से कोई और इस बात को एक्सप्लेन करेगा मैम आयशा आप एक्सप्लेन करेंगी मैं शायद वो एक्सप्लेन कर पाऊं म्यूटेबल और इम्म्यूटेबल जी जी प्लीज मैं रोंग भी हो सकता हूँ बट ट्राई करता हूँ uh, 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 जो हमारे पास एरेस या कुछ भी होते हैं तो उसके हमारे पास uh, uh, वो चेंज नहीं होते हैं मतलब uh, ऐसा है कि उनकी वैल्यूज चेंज uh, uh, नहीं होती और जो म्यूटेबल होती है ना तो वो उन पे एड्रेशन होती है और वो चेंज हो सकती है uh, बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था uh, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करती हूँ और uh, आप लोगों को ये दोबारा से कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि फिर हम लोग जो है वो आज की जो प्रॉब्लम्स हैं लेट कोड की उसको सॉल्व कर सके मुझे एक मिनट में अपना ओपन कर लूँ okay um my screen share Karen यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मैं बात करी थी ये करी थी कि हम लोगों ने इस चीज़ को पहले तो काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैं रिवाइज कर रही हूँ हम लोगों ने अगर कोई लूप लगाया है नॉर्मली स्ट्रीम के अलावा अगर हम लोग लूप लगाते हैं और वो लूप जो है लेट से टेन टाइम्स चलता है तो हमारे पास अगर हम उस आ, और हमारे पास एक आ, कोई एक वेरिएबल है उसमें हम चेंज कर रहे हैं वो वेरिएबल हम कहेंगे कि वो इंटीजर है लेट से अगर वो इंटीजर में कोई चेंज कर रहे हैं कि हर दफा हम उसमें जैसे सम के केस में था हम हर दफा उस वेरिएबल में ऐड करते जा रहे हैं कोई नंबर कोई सम ऐड करते जा रहे हैं तो वो जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा उस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि जो लूप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम दम्पलेक्सटी नहीं रहता क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है ठीक है और इम्यूटेबल का मतलब है कि एवरी टाइम जब भी हम इसमें को, कोई चेंज करेंगे लेट से कि हम इसमें कुछ ऐड करते हैं तो क्या होगा कि हीप में दोबारा से ये स्ट्रिंग लिखी जाएगी दोबारा से कॉपी होगी यानी दोबारा से लूप स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा और एक एक करेक्टर करके वो दोबारा से राइट होगा और फिर जो एक्चुअल चेंज होगा ना वो होगा अब ये देखे फॉर लूप जो मैंने अभी यहां पे आपको जो ये जो नजर आ रहा है फॉर लूप ए, ये तो स्ट्रिंग बिल्डर का है लेकिन ए, इसको इसको कन्वर्ट ऐसे कर लेते हैं ये ये जो है ना ये स्ट्रिंग है अब अब ये सेम लाइन ऑफ कोड जो है वो बेसिकली इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी बिग गो ऑफ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक चली जाएगी एक दफा तो ये बाहर का लूप चल रहा है जो आप लोगों को नजर आ रहा है फॉर करेक्टर और ये सारा ठीक है और और ये जो एस टी आर प्लस इक्वल टू करेक्टर लिखा हुआ सी एच लिखा हुआ है बेसिकली ये भी अपने अंदर एंड पे एक लूप लगा हुआ है। है क्या लगा हुआ कि ये करेक्टर ऐड करने से पहले ये पूरी स्ट्रिंग, जो existing string है, ये अपनी लेंथ तक यानी जितनी भी इसमें है सबको सारे लेटर्स को वन बाय वन कॉपी करती है ठीक है और फिर ये न्यू ऐड करती है उसमें तो बैकहेंड पे ये जो है ये ये सिर्फ ये प्लस इक्वल टू का साइन भी जो है ये वैल्यूज वो एक लूप रन कर रहा होता है ठीक है हीप में हम नहीं कर रहे लेकिन मेमोरी में एक्चुअली ये हो रहा होता है तो इसलिए हमारी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्केयर चली जाती है उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये मैं लेती हूँ क्वेश्चन आपका पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लू उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक और क्लास यूज की है जो कि है स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो हमें ऑलमोस्ट वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जो कि स्ट्रिंग प्रोवाइड करती है इसमें हम प्लस इक्वल टू के साथ ऐड करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं अपनी स्ट्रिंग जो भी होती है और डॉट अपेंड का फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें जो चेंज करना है वो हम जो जो भी ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं तो होता क्या है कि ये वाला फंक्शन जो होता है वो दोबारा से ओवर करने की बजाय जो पहले वाली स्ट्रिंग होती है उसी में चेंज कर देता है जैसे हम लोगों ने लिखा कि सम इज इक्वल टू टू प्लस टू तो वो उस सम वाले वेरिएबल में ही चेंज करेगा या, या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं यानी जो पहले किस सम में पड़ा हुआ था प्लस उसमें टू प्लस टू भी कर देगा उसी उसी वैल्यू में चेंज कर, उसी न, न, मेमोरी में जहां पे उसकी वैल्यूज पड़ी हुई है उसी जगह को मतलब उसी को ही चेंज करेगा लेकिन यहाँ यहाँ ऐसा नहीं होता पूरी स्ट्रिंग अलग से न्यू स्पेस पे कॉपी होती है और फिर उसके बाद ये चेंज होता है और उसके बाद दोबारा से वो वेरिएबल उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है तो इसकी वजह से हम लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर देखा था अब हम लोग ये मैं आपका क्वेश्चन ले लूँ उसके बाद हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मेरे तो मेरे को इसकी ये कि देखिए आप खेलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जोन से अगर स्ट्रिंग बोल्ड नहीं तो स्ट्रिंग जोन से वो ले एक सेकंड एक सेकंड ये कोई बैक एंड पे कौन है कौन है जिसका भी माइक शहाब शहाब है शहाँ, शहाँ भाई ये एकदम सॉरी सॉरी वो मैंने देखा नहीं था मैंने बंद कर दिया ठीक है ठीक है अभी जी बोले अच्छा आप कह रही थी कि जिस तरह हम से अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर ने यूज कर रहे तो हो गया रहा है कि स्ट्रिंग में पेंट होने की बजाय स्ट्रिंग एक कॉपी बन रही है हीप में और उसमें जो भी हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वो टेक्स्ट ऐड हो रहा है और फिर देन वो एक्चुअल स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहा है जो उसका पॉइंटर है।, है ना वो जो पॉइंटर है ना उसका जो ये जो हमने एसटीआर लिखा है लेट्स सी वो उसको दोबारा से उस न्यू न्यू जगह पे जो टेक्स्ट लिखा वो हीप में स्ट्रिंग क्रिएट क्रिएटिव होगी ना उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा और जो पिछले वाला है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा खुद ब खुद ही एंड यस उसकी स्पेस को डीएलोकेट कर देगा इंटरसर ए ठीक है धन्यवाद इसकी वजह से हम लोग जो है वो स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे थे तो इसी से रिलेटेड अब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से ही ठीक है ये सिर्फ यूज करेंगे यूज करने की बिहान मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दी अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्ट्रिंग बिल्डर को ऐसा यूज नहीं कर रहा लेकिन हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे वो स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करेगा देखते हैं कि इन एक्चुअल हमारे को उसपे प्रॉब्लम में क्या गिवन है और हम लोगों को करना क्या है रोबोट रिटर्न टू ठीक है स्टेटमेंट रीड करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उसके बाद हम इसमें से इस, हम सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है देर इज आर बोट स्टार्टिंग एट दोजीशन जीरो जीरो दी रिबोट एंड्स एट दी एट जीरो हमारे पास क्या है कि एक रोबोट है वो जीरो जीरो से अपनी पोजिशन एक्स वाइव प्लेन आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है आई होप कि सब नहीं पढ़ा है हमें हम से एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक एक है उसकी बात कर रहा है कि वो जीरो जीरो जो ओरिजिन होता है वो जीरो जीरो से वो जो है एक रोबोट स्टार्ट कर रहा है और हम लोगों ने बताना है कि सब मूव्स गिवन होंगी हम लोगों को जस्ट ये बताना है परफॉर्म करने के बाद क्या वो दोबारा रोबोट अपनी लोकेशन पे आया है या नहीं आया ये हम लोगों को एक्चुअल में बताना है यू आर गिवन अट रिप्रेजेंट दूव सिक्वेंस Of the robot, where the move I represent I at where valid moves uh, are right, left, up, and down. Okay, R to have represent right, go left, go U up, go, and D down, go return true if the robot return to the region after it finishes all of its move or false otherwise. The way. Note the way the robot is facing is irrelevant. The right will always make the robot move to the right once l will always make it to the left once left uh, etc. Also assume that the magnitude of uh, the robot movement is the same for each move. may <laughs> actually हमें वो यूं कह रहा है कि ये मेरे पास एक्स y एक्सिस है यहाँ पे मेरे पास क्या होता है वाई होता है ठीक है यहाँ पे मेरे पास एक्स होता है सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक्स होता है ठीक है यहाँ पे मेरे पास वाई नॉट होता है ठीक है और यहाँ पे मेरे पास, पास एक्स नॉट होता है यही पढ़ा है ना हम लोगों ने एक्स एक्स ओके okay. uh, मैं दोबारा शेयर करती हूँ अच्छा, अभी आप लोगों ने मुझे बताते जाना है आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोगों ने प्लेन प्लेन ड्रॉ कर लिया अब इंस्टेड कि मैं एक्स वाई uh, लिखू उसने बताया है कि मेरे पास जो है वो ये uh, ये मेरे पास राइट है और ये मेरे पास लेफ्ट है ये मेरे पास अप है और ये मेरे पास डाउन है ठीक है उसने ये भी बोला है कि ये मेरे पास जीरो है यानी ये ओरिजन है ठीक है ऐसा ही होता है ना एक्सिस पे अब उसने हमें ये बताया है कि हमारे पास जो प्ले रोबोट है ना वो जीरो इस एक्सिस से जीरो जीरो से स्टार्ट करेगा आपने मुझे स्ट्रिंग और मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा ये जैसे ये देखें मूव्स के नाम से स्ट्रिंग होगी जिसमें यू डी और डिफरेंट जो है वो लेटर्स जो है वो गिवानोगे बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को रीड करना है और हम लोगों ने बताना है कि रोबोट सारी ही सारी पूरी स्ट्रिंग के बाद क्या वो दोबारा अपनी पोजिशन पे आया है या नहीं फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहली इनपुट जिसमें उसने दिया है यू एंड डी यहाँ पे बिल्कुल आ, मुझे इसका color change कर लेने दें यहाँ पे वो U और D को हम लोग देखते हैं U का मतलब है कि वो एक स्टेप अच्छा हर दफा उसने एक चीज ये भी मेंशन की हुई है कि जो जब भी वो मूव कर रहे है ना तो सेम मूव कर रहा है अगर ऊपर नीचे अगर हम कह रहे हैं ना कि लेफ्ट uh, जा रहा है तो एक दफ एक uh, यानी रोबोट एक कदम उठा रहा है राइट right जा रहा है तो भी एक कदम उठा रहा है अप जा रहा है तो भी डाउन जा रहा है तो भी जिस भी पोजिशन में जा रहा है वो एक स्टेप ले रहा है अच्छा अगर हमने अप देखा तो फिर ये मेरे पास हो जाएगा ये लेट से वन स्टेप है तो ये मेरे पास हो गया अप ठीक है ये अप हो गया उसके बाद uh, दोबारा से उसने कहाँ पे मूव किया डाउन तो रोबोट आ गया वापस तो दोबारा से वो किस पोजीशन पे आ गया जीरो जीरो पे ठीक है तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है ट्रू है अच्छा इस शायद आपको इस बात की समझ अभी इतनी ना आई हो दोबारा से देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ ये वाली एग्जांपल देखें अब यहां पे एक्स वाई में जीरो जीरो पे खड़ा था अब उसने मूव करना है लेफ्ट लेफ्ट हमारे पास क्या है एक स्टेप लेफ्ट मूव किया तो ये लेफ्ट आ गया उसके बाद दोबारा से एक स्टेप लेफ्ट मूव किया तो ये आ गया तो क्या वो ओरिजन पे खड़ा है दोबारा नहीं तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स ठीक है जी अच्छा इन केस के वो अप जा रहा है डाउन जा रहा है और लेफ्ट राइट जा रहा है इसमें तो कोई इशू नहीं है अब लेट से कि वो एक दफा अप जाता है और फिर राइट जाता है तो फिर ये किधर जाएगा ठीक है वो एक दफा अप जाता है ये फिर राइट जाता है ये आप आप कोई भी स्ट्रिंग लिखे हम उसको मूव करवाते हैं देखते हैं एट द एंड वो ओरिजिन पे रहता है या नहीं रहता सही है इस वाले केस में फाल्स होगा ठीक है हम कुछ भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके बाद वो दोबारा से जो है वो डाउन जाता है फिर वो दोबारा से डाउन जाता है सॉरी ये दोनों लाइन का सीक्वेंस सेम नहीं रहा तो हमने क्योंकि एक एक स्टेप करना है तो आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो ये भी तो हो सकता है कि वो डाउन गया गया और फिर लेफ्ट चला गया, तो फिर वो ओरिजिन पे पहुंच गया अगर वो नहीं अगर वो डाउन गया अब उसने मूव किया है ए, लेफ्ट ठीक है ओरिजिन पे अभी भी नहीं पहुंचा जीरो जीरो ओरिजिन उसके बाद वो दोबारा से एक स्टेप आप चला गया तो आप ये पे है हम इस उसका बोलेंगे स्ट्रिंग का ट्रू so, का दोबारा यहाँ पे आ जाना हमारे पास आ, ट्रू रिटर्न करेगा एल्स पूरे एक्स वाई एक्सिस में वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करे तो हम उसे फॉल्स रिटर्न करेंगे क्लियर ओके अभी अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ओके okay. अच्छा हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है हम्म अच्छा हम लोगों को पता है, है कि मेरी आवाज आ रही है ठीक है आ... अच्छा हम लोग यूं करते हैं कि अप डाउन लेफ्ट राइट वो तो हमारे पास मूव्स में गिवन होगा एक्स वाई एकस है तो हम लोग एक एक्स वाई प्लेन एक एक्स वाई वेरिएबल बना लेते हैं ठीक है एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है और हम लोग वाई को भी हम लोग कह लेते हैं कि ये मेरे पास जीरो है जीरो है अच्छा अब हम लोग अपना एक लूप लगाते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लगाया हम लोग लूप को स्टार्ट करेंगे आई से और लूप कहां तक लेकर जाएंगे स्विंग की लेंथ तक कोई मुझे बताए कि ये मैंने जो अभी लिखा है ये ठीक है लियन जी टी एच ऐसे ही कॉल करते हैं इसकी लेंथ को अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग में मूव करना है तो ये मैंने ठीक लिखा है बिल्कुल ठीक है आप आई से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो इंडेक्स से और लेंथ के लेस देन तक जा रही हैं तो आई थिंक सो करेक्ट है प्लस और वन वन भी तो करेंगे अच्छा मतलब कि मैं इसको आई प्लस प्लस कह रहे हैं आप यस अच्छा ये यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है ना उसकी अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो फंक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे हम लोग पैरथिस पास करेंगे जो अरे होती है ना उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वो प्रॉपर्टी होती है वहां पे जो मैंने पहले लिखा हुआ था ना ये अगर कोई अरे की लेंथ फाइंड आउट करनी होती तो फिर मैं उस अरे का नाम डॉट लेंथ करती तो फिर मेरे पास अरे की लेंथ आ जाती लेकिन अगर मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फिर मुझे उसके लिए साथ जो है वो ब्रैकेट डालनी पड़ेगी ठीक है ये फंक्शन होता है बेसिकली ओके अब हम लोग कहते हैं हम चेक कर लेते हैं कि आ, ओके हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास जो आ, जी 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 पूछे रे तो पे फंक्शन लगते हैं या उस पे उस पे फिर क्या अप्लाई करते हैं हम मगर इसके पे हमने लगाई हैं तो उस पे फिर क्या अप्लाई करेंगे वो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है तो वो जो भी अरे का नाम होगा डॉट लेंथ फंक्शन नहीं लगाना आगे ठीक है अच्छा हम लोग अब देख लेते हैं कि हम लोगों अगर मेरे पास मूव्स जो मेरी स्ट्रिंग का नाम है अगर तो जो करेक्टर एट आयत इंडेक्स अगर तो वो है आ, राइट अगर तो वो है राइट तो फिर क्या होगा आप लोग खुद बताइए राइट है तो वन प्लस कर दें वन प्लस कर दें अब हम वन प्लस किस में करेंगे एक्स में करेंगे या वाई में करेंगे एक्स में करेंगे तो फिर right, yes, तो फिर हम लोग x प्लस प्लस कर देंगे ठीक है इसी तरह हम लोग कहेंगे कि अगर मेरे पास जो मूवस्टॉट करेक्टर एट आयत इंडेक्स जो है वो और लेफ्ट है तो फिर क्या करें एक्स एक्स माइनस माइनस कर दें ठीक है और अगर मेरे पास जो है वो मूव्स डॉट करेक्ट एट गेट इंडेक्स इज इक्वल टू आप तो हम लोग क्या करेंगे बस वाई प्लस प्लस अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दू उसने बोला हुआ है वन स्टेप चलें हम इसको भी अभी चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर इस पे जरा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कौन सी कंडीशन जो थी वो हम लोग किस तरह कर सकते थे अच्छा अगर ये हमारे पास जो है वो डाउन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे वाई माइनस माइनस और ये हर पूरे लूप पूरी लेंथ तक ये होता रहेगा अब एक्स वाई एक्सिस एक्स में और वाई में वैल्यूज एट दी एंड कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेंगे अब हम लोग रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न क्या करेंगे रिटर्न रिटर्न नहीं करेंगे अब हम चेक कर लेंगे चेक क्या करेंगे कि इफ मेरे पास जो है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ओरिजिन पे यही होता है ना एंड वाई इज इक्वल टू जीरो अगर मेरे पास ऐसा होता है तो फिर क्या करो रिटर्न करो रिटर्न है। अब हम लोग इसको जो है वो सबमिट करके देख लेते हैं क्या होता है ओके okay. आप देखेंगे कि ये सबमिट हो गया है एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन हमारे पास इसका जो है वो टाइम आ रहा है एटीन कितना कितना स्मॉलर कोड लग रहा है आप लोगों को लेकिन ये कितना है एटीन मेरी के ये ले रहा है और फाइव पॉइंट एट सिक्स परसेंट जावा के यूजर्स को बस इसने कम्पीट की

ओके okay. बेसिकली जो हम लोगों ने ये जो लिखा हुआ है ना मूव नॉट करेक्टर एट हम हर दफा एक करेक्टर एक दफा लूप चल रहा है मतलब एक एट एवरी आइट्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं एक फंक्शन चार दफा चेक कॉल कर रहे हैं मूव नॉट करेक्टर एट अगर वो राइट है राइट लेफ्ट आप डाउन करने के लिए चारों दफा चेक करने के लिए हम एक ही चीज एक ही फंक्शन जो है है फोर टाइम्स कॉल कर रहे हैं समझ आ रही आपको जिसकी वजह से जो है वो कम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई जा रही है दूसरी बात एक और बात ये, ये जो हम मैंने चार लाइनों का कोड चार पांच लाइनों का कोड लिखा है इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है उसके लिए भी हम लोग सिंपल ये कर सकते हैं अभी मैं आपके सामने रिप्लेस करती हूँ मेरी सिचुएशन है जी जी ये जो हमने कैरेक्टर ऐड किया है मेन I mean, से जब हमने प्लस प्लस करना है तो हम राइट right और आपको मर्ज कर दें और डाउन और लेफ्ट को मर्ज कर दें कि और की कंडीशन लगा के और उन्हें मिनट से अगर ये दो चार दफा हर दफा चल रहा है फिर ये हर दफा दो दफा चल जाएगा अच्छा आपकी सजेशन ये है कि हमारे पास जो है ओरिजिन ओरिजिन पे उसी तरह वापस आएगा हम लोग क्या करें कि क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन हो रही है ना एट द एंड ये नहीं हो रही कि एक्स वाई कोई भी वैल्यू आ रही है तो एक्स वाई में से वो माइनस कर दे हमने वाई की वैल्यू वाई में से ही माइनस करनी है यानी अप डाउन सीक्वेंस एक होना चाहिए और लेफ्ट और राइट right का सीक्वेंस एक होना चाहिए हम ये नहीं कर सकते आई होप कि मैं आपके पॉइंट को जस्टिफाई कर, कर सकूं और आपको समझा भी सकूं जो मेरा पॉइंट है वो ये है हाँ कि मैं आपके समझ गया मिनट से अगर y की वैल्यू तो y से ही माइनस करनी है अगर x की वैल्यू तो x से ही माइनस करनी है अगर ये तो होता ना कि अगर x ही है उसी में से प्लस माइनस करना फिर हम ये कर सकते थे ऐसे अगर मेरे पास ज्यादा स्टेप्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल आपके आ रहे हैं ठीक है और साथ ही ज्यादा स्टेप्स जो हैं वो लेफ्ट के आ रहे हैं तो वो uh, वो एट द एंड मे भी रोबोट हम ए, जो अब वाली कंडीशन है उसमें मे भी वो जीरो जीरो पे आ जाए लेकिन इन uh, एक्चुअल तो वो करेक्ट नहीं होगा अगर हम उस तरह, उस तरह जैसे आप बोल रहे तो तो इसलिए हम लोगों को जो है वो आ, ये करना पड़ेगा अच्छा और, आ, और इस फंक्शन को हम एक दफा कॉल कर सकते हैं एक ही दफा कॉल करके चेक करें यानी यहाँ पे अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं एक करेक्टर ओके okay, एक करेक्टर लिख लेती हूँ सी एच इज इक्वल टू और इसको हम लोग जो है वो इस फंक्शन को इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेते हैं ठीक है और फिर हम लोग जो है यहाँ पे ये लिख लेते हैं ठीक है बाकी सब जगहों पे रिप्लेस कर देते हैं ये अच्छा अभी इसके बाद भी हम लोग एक और ठीक है तो हम लोगों ने फोर टाइम्स के बजाय uh, हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया सेम उसके लिए अच्छा एक और ये जो फोर लाइंस ऑफ कोड होता है इसको भी हम लोग जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सिर्फ हम जो हम ये लिखते हैं एक्स सिर्फ ये ही हम लोग अगर रिटर्न में लिख दें और बाकी कुछ भी ना लिखें तो, तो भी हमारा कोड जो है वो ट्रू बेसिकली ये दोनों एंड uh, ऑपरेशन लगाया हुआ है हम लोगों ने इसके साथ ये वैल्युएट करेगा अगर तो ट्रू होगा दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा एज जो है वो हमें वो कुछ भी uh, वो वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये वैसे ही ऑटोमेटिक है तो हम लोगों को ये इतनी चार पांच लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है नंबर एक अभी भी चेक करते हैं अभी भी इशू है कोर्ट में बल्कि रन अच्छा क्या इशू है अच्छा तो आप ये देखेंगे कि ओके okay. अभी भी इसने जो बीट किया है वो थर्टीन पॉइंट टू सिक्स ऑफ दी यूजर को किया है ये टेन मिली सेकेंड से कम हो गए एट मिली सेकेंड तक आ गए अभी भी हम इसको रिफाइन कर सकते हैं अब ये आप लोग मुझे कल करवाएंगे चैट में कुछ क्वेश्चन है hmm... हम इसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं हम अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं ये ये आप आप लोग कल मुझे करवाएंगे अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आए कि कैसे करेंगे आप गूगल करें आप इसका सॉल्यूशंस डिफरेंट देखने की कोशिश करें अगर आपको ना समझ आए तो आप यहाँ पे सॉल्यूशंस में भी इसके वो देख सकते हैं ठीक है लेकिन कल आप लोग मुझे एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ठीक है ताकि हम लोग जो है इसे बेहतर तरीके से कुछ कर सके इसे सॉल्व कर सके इसको इसकी टाइम फोर मिली सेकेंड थर्टी सेवन परसेंट ऑफ सॉल्यूशन तो हम हम वो कर सकते हैं जस्ट हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये ये लर्निंग का पार्ट है और इन आप लोग कल कर करेंगे मुझे इस बारे में बताएंगे अच्छा अब हम लोग ना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हम लोग करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से और हम लोग बड़े अच्छे से ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुके हैं मैंने यहाँ कहीं क्या था वो क्वेश्चन लेट मी थिंक कि वो क्वेश्चन क्या था जो मैं भी सोच रही थी क्वेश्चन रही थी मुझे दो मिनट मुझे सोचने थे कि मैं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को आज करवाने वाली थी से निकल गया okay, वो था अः अपर केस टाइटल टाइटल कैपिटलाइज टाइटल जी जी टाइम तो बड़ी जल्दी गुजर जाता है अच्छा uh, हमारे पास करना क्या है यू आर गिवन टाइटल कंसिस्टिंग ऑफ यू आर गिवन अ टाइटल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वर्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस where each word consists of english letter capitalize the string by changing the capital capitalization of each word such that if the length of the word is one or two letter change all the letters to lowercase otherwise uh, change the uh, first letter to uppercase and the remaining letter to lowercase जो भी टाइटल गिवन होगा हम लोगों ने करना क्या है जो पहला लेटर होगा उसको हम लोगों ने कैपिटल करना है और जो रिमेनिंग और एक और उसने बात ये कही है कि अगर हमारे पास किस, कोई वर्ड है जिसकी लेंथ वन और टू लेटर्स है तो फिर हम लोगों ने उसको कैपिटलाइज नहीं करना बल्कि उसे क्या करना है स्मॉलर ही रहने देना ठीक है इस इस केस में देखें सेकेंड इनपुट के केस में देखें फर्स्ट लेटर ऑफ ऑफ ईच वर्ड में जो है है वो टू लेटर्स पे है, तो हम लोग इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे या लोअर केस में ही रहने देंगे इसी तरह थर्ड वाली इनपुट में देखें एग्जाम्पल में देखें हमारे पास आई लव लीड कोड में आई क्योंकि इसकी लेंथ वन है उसने बोला है वन और टू करेक्टर की अगर लेंथ होगी तो हम लोग क्या करेंगे उसको लोअर में ही रहने देंगे रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे पहला वर्ड कैपिटल होगा रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास सेपरेट वो होंगे स्मॉलर लेटर्स होंगे ठीक है लोअर केस लेटर्स होंगे एक बात जो जब जैसे हम लोग अभी एडवेंट ऑफ कोड में भी सॉल्व कर रहे थे तो आ, हम लोगों को जो इनपुट है उसके साथ प्ले करना आना चाहिए अगर हम प्ले कर सकते हैं तो देन हम सॉल्व भी कर सकते हैं प्ले करने से क्या मुराद है कि अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि जो हमारे पास लेटर है उसकी लेंथ क्या है मतलब वन है टू है थ्री है फोर है या फिर फोर हंड्रेड है लेटर तो की लेंथ क्या है उसी की बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे ना किसको ओपर में करना है किसको लोअर में करना है अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास एक इन फंक्शन होता है टू अपर केस केस एंड टू लोअर ये ये फंक्शन जो है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते इनकी कोडिंग बहुत आसान होती है हम लोग खुद भी कर सकते हैं इसलिए हम लोग ये इन यूज कर रहे हैं अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे इसकी कोडिंग आसान है या क्यों ये सिंपलेस्ट हैं, हम लोग बिल्टिन ही यूज कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि आप, आप आपको आइडिया शायद होगा कि कैसे जो है वो की करेक्टर से हम लोग जो है वो जनरेट करते हैं कितने का एडिशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम अपर टू लोअर तो आप लोग जो है वो रीड um, कर सकते हैं ऑन योर ऑन आप चेक कर सकते हैं कि डॉट टू अपर केस उसका क्या बिहाइंड कोडिंग है और डॉट टू लोअर केस क्या कोडिंग है बहुत सिंपल कोडिंग है इसलिए हम लोग उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब हम डिफरेंट किस्म के कंपटीशन सॉल्व कर रहे होते हैं चाहे वो एडमिट ऑफ कोड है या फिर कोई है कथन है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस तरह के ये जो छोटे छोटे टास्क है ना ये हम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं छोटे छोटे टास्क से मुराद है जहा पे हम लोगों ने लोअर केस में ची, पूरी की स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देना है या फिर आ, अपर केस में किसी को कन्वर्ट करना है तो सिर्फ वहाँ अभी लॉजिक हमने बनानी है इस प्रोग्राम की मैं ये नहीं कह रही कि हमने एक फंक्शन कॉल करना है हमारे सारे हमारे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही वो सॉल्व कर देगा ये नहीं मैं कह रही मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहां पे हमें जरूरत बनी किसी चीज को अपर केस में कन्वर्ट करने की तो हम डॉट टू अपर केस का फंक्शन कॉल कर लेंगे और अगर कहीं पे हमें स्मॉलर में कन्वर्ट करना है यानी लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम एक डॉट टू लोअर केस सिंपल वो फंक्शन कॉल कर लेंगे बाकी रिमेनिंग लॉजिक हम बिल्ड करेंगे ठीक है क्लियर है अभी तक आपको अपना एम क्लियर हुआ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बोल सकता ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ब्रेक डाउन करते हैं अपने क्वेश्चन को और अपनी प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके सबसे पहले वाई नॉट के हम लोग हर लेटर की सॉरी uh, हर वर्ड uh, की लेंथ चेक करें मेरे माइंड में एक और सोल्यूशन था वो भी मैं आपसे पहले डिस्कस करती हूँ फिर हम लोग दोनों दोनों सोल्यूशन को देखते हैं एक सोल्यूशन मेरे पास ये था कि हम लोग जो हैं वो चेक करें हम लोग रीड करें पूरी स्ट्रिंग को रीड करते जाएं और जहां पे भी हमारे पास एमप रिटर्न हो हम उससे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उससे दो लेटर चेक कर लें मतलब उस दो लेटर्स के बाद देख लें एक लेटर के बाद भी और दूसरे लेटर के बाद भी स्पेस चेक कर लें अगर स्पेस एग्जिस्ट करती है तो फिर हम लोग इस नेक्स्ट वर्ड को जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दें और अगर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर अब जो हमारे पास स्पेस के साथ बिल्कुल उससे नेक्स्ट एक वर्ड होगा उसको हम कैपिटल कर दें बाकी रिमेनिंग अगली स्पेस से पहले जितने वर्ड्स हैं उसको हम स्मॉल में कन्वर्ट कर दें ये मेरे माइंड में एक लॉजिक आ रही थी फिर मैंने लगा कि ये काफी ब्रूट फोर्स हो जाएगा कि हम हर एक को एक लूप हम बाहर चला रहे हैं जहां पे हम इसे रीड कर रहे हैं पूरे सेंटेंस को आ, और आ, आप आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये सोलूशन है अभी या नहीं जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि हम लोग इसको रीड करें पूरे पूरे को और स्पेस से पहले वाला तो सारा ही लोअर केस में कन्वर्ट कर दें स्पेस के बाद वाले में भी चेक कर लें कि उससे नेक्स्ट एक करेक्टर के बाद और दो करेक्टर के बाद कहीं स्पेस तो नहीं आ रही दोबारा से अगर तो स्पेस एग्जिस्ट करती है तो फिर हम लोग जो है वो उसको तो पूरे के पूरे को लोअर के वो वन दो वन और टू वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें अदरवाइज हम लोग जो है वो सिर्फ स्पेस के साथ वाला कैपिटल में और रिमेनिंग जितना भी होगा उसे स्मॉल में और यही फॉलो करते जाएं ये मेरे जहन में आ रही थी आपका क्या ख्याल है ये क्या ब्रूट फोर्स टेक्निक है या फिर ये एफिशिएंट हो सकती है क्या क्या कमेंट्स हैं आपके इस बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे माइंड में भी यही सोल्यूशन आया था कि जिधर भी आप एम uh, पूरी एक दफ़ा रीड करें जिधर एम आ रही है उसके साथ ही हम उसे फॉलो ऑन करें बट ये है कि इसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है अभी मेरे माइंड में ये आ रहा है कि हम जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको सेपरेट करके लेंथ फाइंड कर कर लें तो वो भी एक काइंड ऑफ़ कंडीशन हो सकती है कि सारे वर्ड्स को सेपरेट जाए और उनकी लेंथ चेक कर उसमें add, add करते अगर नहीं है तो फर्स्ट वाले को हम कैपिटल करें स्मॉल करते जाएं तो ये भी एक सलूशन हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही, है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अः कोई कोई और मुझे बताएगा कि जो मैं सोल्यूशन सोच रही थी क्या क्या वो ब्रूट फोर्स अच्छा एक दूसरी सोल्यूशन हमारे पास जो है वो आ, आप आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट किया करें उससे चीजें आती हैं गलत होगा ना क्या होगा फिर क्या है आप लोगों में से कोई बोलता ही नहीं है लगता है क्लास में नहीं है क्लास में सब हैं जी फिर बोलें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गलत होगा फिर क्या गलत होगा अच्छा मैम मुझे ना आप ये कुछ थोड़ी सी ब्रूट फोर्स लग रही है और थोड़ी सी नहीं भी लग रही है तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसमें क्या कमेंट दू <laughs> अच्छा फिर आप यूं कर सकते हैं कि आप क्लास के बाद इसको सर्च कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ठीक okay, yes. है और कल कल की क्लास में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोगों की फाइंडिंग्स हैं ठीक है उससे ये आपका लर्निंग प्रोसेस स्पीडी होगा और फिर मुझे भी हेल्प होगी ठीक है हुँ. तो विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ चले अभी हम लोग इस सोलूशन को डिस्कस करते हैं हम लोगों ने करना क्या है बेसिकली हम लोग ऐसा करेंगे कि हम अपने आ, जो हमारे पास इनपुट में टाइटल आ रहा है हम इसको लेंगे यानी ये मेरे पास ये स्ट्रिंग आ रही है और हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन स्पेसिस यानी हमारे पास आप हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया इनटू सब स्ट्रिंग्स अब वो सब स्ट्रिंग हम किसमें स्टोर करें अभी हम वो नहीं देखेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि हमने इसको अब हमारे पास एक इस पूरी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग तीन बन चुकी है टू, टाइटल थ्री। हर को हम चेक करेंगे कि क्या उसकी लेंथ वन और टू है अगर तो वो वन और टू वर्ड्स होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे पूरे की पूरी उस सब स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देंगे और रिमेनिंग स्मॉल कर देंगे समझ आई किसी का कोई क्वेश्चन जिस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक समझ ना आई मैम सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि लाइक स्पेस आएगा तो फिर उसके बाद आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं अभी मैं सिर्फ सिंपल ये कर रही हूँ कि मैं अपने जो स्ट्रिंग आएगी उसको उसके चंक्स बना ले रही बना रही हर स्पेस से पहले वाला हर करेक्टर हर वर्ड उसको मैं ले ले रही ठीक है कैपिटलाइज एक सब होगी d एक सबस्ट्रिंग होगी टाइटल एक सबस्ट्रिंग होगी अब फिर मैं पहली सबस्ट्रिंग लूंगी और इसकी लेंथ फाइंड आउट करूंगी इस तरह होगी क्योंकि उसके पास तो स्पेस नहीं है आप अगर कह रही हैं स्पेस से पहले वाला ले रही हैं तो आपको खुद एडिशनल स्पेस डालना पड़ेगा टाइटल में तो। ये हम लोग जो बेसिकली uh, 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 आप कह रही हैं कि टाइटल के लास्ट पे यस yes, मैम आप कह रही हैं ना कि आप uh, यानी स्पेस से पहले वाली स्ट्रिंग लेंगी वर्ड लेंगी राइटल right? तो के पास ना हम लोग जब इसे स्प्लिट uh, कर रहे हैं ना तो फॉर एग्जांपल स्पेस पे स्प्लिट कर रहे हैं तो होता यह है कि ये जो पहले स्पेस से पहले वाला आता है ना वो जीरो इंडेक्स पे आता है फिर उसके बाद वाला वन इंडेक्स पे आता है उसके बाद वाला टू इंडेक्स पे आता है ठीक है तो ईज करेक्ट तो कोई बिल्ट इन आप मेथड यूज कर रही होंगी लाइक like, uh, अगर वो खुद से सारा कोड करें तो हमें आई थिंक वो कंसीडर करना पड़ेगा लास्ट अच्छा method. अगर ठीक है ठीक है अगर अब उस उस पे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि उसकी लेंथ जो है ना वो अ, उस जो आप बता रहे हैं उस पे हम लोग सॉल्यूशन में ये करेंगे कि लूप जो है वो लेंथ से माइनस 1 तक चले और और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जहां जैसे ही स्पेस आई ठीक है उसको हम लोग स्टोर करा लेंगे अपने एक स्ट्रिंग में मतलब सब स्ट्रिंग में और उसके बाद अगर तो हमारे पास लेट्स uh, से कि स्ट्रिंग uh, खत्म हो रही है और उसमें वो नहीं है स्पेस तो फिर उसकी बेस पे हम लोग करेंगे यह, यहाँ पे ये यह लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी एमएस अगर एडिशनल स्पेस भी डाल दें तो वो सारा कोड ही कंसिस्टेंट होतेगा ना लाइक ठीक है ये भी है हम उसमें एक एक दफा जो है वो एट द एंड ऑफ दी स्ट्रिंग एक स्पेस uh, ऐड कर दें और उसके बाद उसको स्प्लिट uh, कर लें बेस्ड ऑन दिस ठीक है ठीक हो सकता है बिल्कुल ऐसे अच्छा ठीक है तो uh, uh, उसके बाद हम लोग जो है सिंपल लॉजिक क्या कर रहे हैं एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग कर ली और हर सब स्ट्रिंग की लेंथ तो और उसकी की है तो फिर हम उसको पूरी की पूरी सबस्ट्रिंग को यानी कि वो वन और टू की जो भी वर्ड होगा उसको स्मॉलर uh, में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता यानी बड़ी है उसकी लेंथ तो पहला लेटर कैपिटल रेस्ट ऑल स्मॉल

पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें ठीक है ये एक वन पॉसिबल सोल्यूशन है उसके बाद जो है हम लोग दोबारा से लेकिन हम लोगों को वो लेंथ चेक जो जो तो चेक करनी पड़ेगी नहीं मैम जी उसमें देखिए देखें उसमें एक और इशू भी आ सकता है कि कि जो जो उसने कंडीशन दी कि letter, है है ना वन एक एक वर्ड वो या दो लेटर होना चाहिए तो उसमें ये प्रॉब्लम करेगा कि अगर हमने सब को लोअर में कर दिया तो हमें पिछला रिकॉर्ड फिर चेक करना पड़ेगा कि जो आया जो दो लेटर्स हैं वो क्या पता दोनों कैपिटल में हो और ये भी हो सकता है कि एक कैपिटल में हो और एक स्मॉल में हो तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो उसको तो, तो चेक है। नहीं करना है उसको चेक नहीं करना है। हमें बस देखें ये आप देखेंगे ये अजीब सा लिखा हुआ है कोई लेटर कैपिटल है कोई स्मॉल है कुछ भी है हम, हमारे पास सिंपल एक रूल है वो रूल ये है कि दो तक अगर उसकी लेंथ होती है टू तक लेंथ होती है तो स्मॉलर में कन्वर्ट कर देना है हमने ये नहीं देखना है पहले क्या था बस उससे स्मॉलर में कन्वर्ट कर देना उससे बड़ी होती है तो पहला कैपिटल रेस्ट स्मॉल ठीक है ये ये लॉजिक है लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है किसी ने लॉजिक उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पहले सारा स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद हम लोग जो है वो पहला पहला कैपिटल कर देते हैं लेकिन उसमें भी हम लोगों को लेंथ चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो लेंथ टू तक तो एग्जिस्ट नहीं करती फिर तो हम पहला कैपिटल नहीं कर सकते लाइक लाइक पॉइंटर पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं ना like, uh, पहला एंड पे हो फिर सेकंड को बैकवर्ड आई क्रिएट करते रहे जैसे ही स्पेस आए दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस चेक पॉइंटर से ये इजीली यस टू पॉइंटर से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे ही हमारे पास जो है वो आ, वो हो स्पेस आए उसके बाद जो है